हेलो दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें हम बायोलॉजी की एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए, इसी सीरीज में आज हम देखेंगे पादपों की आबादी से संबंधित प्रश्न। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो ये जल चढ़ता है जाइलम द्वारा। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो ये अंकुरित हो सकता है पर्याप्त प्रकाश के अभाव में। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? तो ये होती है लाल प्रकाश में। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडली नाइट्रोजन में परिवर्तन करने को प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है विनाइट्रीकरण। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो ये हो जाती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं एबसिसिक अम्ल व इथाइलीन। पुष्पित पौधों के बीज किससे किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं भ्रूण खाद्य संग्रह ऊतक का आवरण से। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण पादप के क्लोरोप्लास्ट कोशिका में होता है। यदि हम केंचुए तथा अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो यह क्यों मर जाते हैं? तो ये मर जाते हैं परासरण प्रघात के कारण। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आमले को। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है फूल से। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो कॉफी प्राप्त होती है बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? ये पाले जाते हैं सैतूत के पेड़ पर। आगे देखते हैं, भूमि की उर्वरता को घटाने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो ये हैं थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स का। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म्स। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहते हैं स्तंभ मूल। परजीवी पौधे अपने पोषद से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चूसकांक द्वारा। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधों में। नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित होती हैं? तो ये होती हैं कांटों में रूपांतरित। गेहूं धान एवं जौ के जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं? तो इसकी जड़ें होती हैं तंतुमय जड़ें। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? ये पाया जाता है प्रायः एक बीज पत्री पौधों में। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ये होता है एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को। अब ये हैं कुछ पौधे और उनका प्रयोग में आने वाला भाग या खाने वाला भाग। तो ये है लहसुन और प्याज। ये सल्ककंद है। हल्दी अदरक ये प्रकंद है। अरबी और जिमीकंद इन्हें घनकंद कहते हैं। आलू ये है कंद और स्तंभ कंद। हार्मोन्स विकर्क से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धन वर्धित रूप है? तो ये है तने का परिवर्धित रूप। आगे देखते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के
महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या क्या है? मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? ये प्रारंभ होता है विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? कशेरुक रज्जु में। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? 206। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। आगे है, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? ये है दंत बल्क। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? जोड़ का प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपीज कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो ये होती है फीमर, जांघ की हड्डी। नेक्स्ट है, कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो ये होती हैं 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12। मानव शरीर के डिंब विहीनी नली में शुक्राणु या डिंब को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 65%। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी हैं? जबड़ों की। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? उल्व। मानव के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो ये होते हैं 20 दांत। आगे है, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या स्प्लेनकेल गुहा। त्वचा का चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला के द्वारा। कंडरा किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से। स्नायु किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से। स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक हैं? ये हैं संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू इंग्लिश में बोलते हैं। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न भिन्न कैसे होती है? तो ये हेवर्सियन नलिकाओं के कारण भिन्न होती है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसिन का। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? ये होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। कौन लसिका में किन रुधिराणियों की अनुपस्थिति होती है? तो ये होती है लाल रुधिराणु की। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? ये है केराटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ओसिन। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? वो होती है हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? अचल संधि के द्वारा। मानव के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? ये मिलता है अल्ना एवं ह्यूमरस में। स्टूडेंट, ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे अगली सीरीज में स्वतंत्र तंत्र से एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखते रहिए सृष्टि द फ्यूचर और अपना अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।